आदाब। एपिग्लॉटिस बोलते सो वॉइस बॉक्स ने तो लैरिंग्स में अंदर है सो एक पार्ट। तो ये वॉइस बॉक्स लैरिंग्स के बर से वो कैसा काम करता अगर को वो समझ में आए तो ची ये बीमारी के बर से समझ में आ। तो मैं वो फंक्शनिंग के बर से लैरिंग्स का फंक्शनिंग के बर बोल को शुरू करता हूं। ये लैरिंग्स बाहर का व्यू, ये वॉइस बॉक्स लैरिंग्स का अंदर का व्यू। ये स्ट्रक्चर देखते ना वो स्ट्रक्चर है एपिग्लॉटिस बोलते सो। तो ये स्ट्रक्चर में इन्फेक्शन आते ही चे एपिग्लॉटाइटिस बोलते सो। तो नॉर्मल सांस लेते ही दिए ऐसा खुला रहेगा तो हवा ऐसा आको वोकल कॉर्ड्स के बीच में से सीधा ट्रकिया को जाओ लंग्स को जाएगा। ये चे वोकल कॉर्ड्स, ये एपिग्लॉटिस है ये स्ट्रक्चर। तो खाना खाने का टाइम में ये एपिग्लॉटिस ये वोकल कॉर्ड को बंद करको खाना लंग्स को जानने से देख लेंगा। खाना को एपिग्लॉटिस का ऊपर से इसका पीछे है सो जगह में फूड पाइप को चल जाएगा, पांच फूड पाइप। तो ये एपिग्लॉटिस एपिग्लॉटिस का इन्फेक्शन कुछ हमें एपिग्लॉटाइटिस बोलते सो। और ज्यादा बच्चों में रहेगा, 2 साल से ज्यादा 6 साल से कम। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये टॉपिक नहीं तो ये वीडियो का इंपॉर्टेंस क्या करता हो, ये एपिग्लॉटाइटिस एक्यूट एपिग्लॉटाइटिस है, ये आपको एक मेडिकल इमरजेंसी, ये आगा तो कितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना की पहुंचना। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा बैक्टीरिया का, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। अब ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इनका वैक्सीन ज्यादा बच्चों पर करेक्ट को उठाने से ये बैक्टीरियल बदल को अब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ज्यादा आता। अब इसमें कंपेन कैसा का, तो ये बच्चा 2 साल नहीं तो 6 साल के बीच कम है, तो बच्चा जो है ये एक स्लाइड बुखार रखो शुरू होगा, नाक बंद रहेगा, पानी रहेगा, एक आधा घंटा नहीं तो एक घंटा आधा घंटे के अंदर बहुत सीवियर होकर बदल जाएगा। क्या होगा, बुखार बहुत बढ़ जाएगा, 102-103, गले में संभाल होता नहीं तो दर्द रहेगा, आवाज बात करती बात बाहर आंगा नहीं, बस सांस लेने में तकलीफ होगा। ये सब भी आधा घंटे इनका अंदर चलूंगा। तो कितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना कि उतना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना। तो हॉस्पिटल पहुंचते ही वो डॉक्टर देखती बच्चा रेस्टलेस रहेगा, एक टॉक्सिक लुक रहेगा, देखने एक डराव एक डर को बेटे सीखा रहेगा, हलिंगाच नहीं, हार्ट रेट बहुत ज्यादा रहेगा, 110 से ज्यादा रहेगा, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा रहेगा। और ये पिक्चर में देखो और भी ज्यादा समझ में आएगा, बेचा पढ़ो बोल तो पढ़ूंगा नहीं बेड में, उठको बैठूंगा, सर ऊपर देख लो को रहेगा, मुंह खोल को सांस लेगा, जीप बाहर रहेगा, थूक साइड से बाहर आलो को रहेगा, मुंह से सांस लेता सब, और सर ऊपर देख लो रहेगा, पढ़ूंगा नहीं बेड में पढ़ो बोल तो वो भी नहीं सर बेड तो सर सामने की तरफ लीन करको रहेगा, दो हाथ भी सामने पकड़ को रहेगा, इसे ट्राइपॉड पोजिशन में तो स्निफिंग एयर पोजिशन बोलेंगे। ये पोजिशन में ऐसा बैठ को सर ऊपर रखो देख लो को बैठे तो मुंह खोल को सांस लेते उसे जरा तो भी सांस लेने होगा। ऐसा देखते ही वहां है तो डॉक्टर को समझ आ जाएगा ये आपको एपिग्लॉटाइटिस करूंगा। बच्चा को माँ को गोद में बिठा को ऐसा आईसी को शिफ्ट कर दूंगा, बच्चा को छींगा नहीं, मुंह खोल को एग्जामिन करूंगा नहीं, ब्लड उठाऊंगा नहीं, क्या भी करूंगा नहीं, सीधा आईसीयू में शिफ्ट करको वहां बिठा को एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन मास्क अम्मा के हाथ में देखो, बच्चे का सूरत का नजीक पकड़ो, अब तुम बोलो जल्दी जाओ ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी एनेस्थेसिस्ट को भी इन्फॉर्म करूंगा, इमरजेंसी का आओ, अर्जेंट को तो जल्दी आओ, इमरजेंसी को तो इमीडिएट पहुंचो। तो क्या होगा, ईएनटी स्पेशलिस्ट भी एनेस्थेसिस्ट भी कितना जल्दी होता कि जल्दी ऑपरेशन थिएटर पहुंच को इमरजेंसी ट्रे भी एंडोस्कोपी रेडी करको बच्चे को शिफ्ट करो बोलिए। बच्चों को शिफ्ट करके होते ही एनेस्थेटिस्ट पहले इनहेलेशन एनेस्थेसिया माइल्ड को देंगे, देखो होते ही ईएनटी सर्जन आको लैरिंगोस्कोपी करको देखते ही अंदर आको ऐसा नॉर्मल है सो एपिग्लॉटिस वैसा नहीं से ऐसा लाल होको सूजन होको जरा भी जगह नहीं से सूजन होको रंगा हवा लेने जरा भी जगह नहीं रंगा। देखो तो ये एपिग्लॉटिस नॉर्मल, ये देखो बेलून किसी का लाल होकर रंगा, वो एपिग्लॉटिस खाली साइड में स्ट्रक्चर्स भी लाल रंगा। अब डायग्नोसिस कंफर्म होते ही एक थ्रोट स्वैब उठाएंगे, वो कल्चर स्वैब काई को तो कल्चर करको कौन सा बैक्टीरिया देखो पकड़ने भी उसके अगेंस्ट को
कौन सा स्पेसिफिक टारगेटेड एंटीबायोटिक देना को देखो पकना। अब ये होते ही एनेस्थेटिस्ट ट्यूब एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल देंगे, दाल को एयर वे सेफ कर को होगा। अब एक एक्सरे उठाएंगे, एक्सरे उठाते ही और भी डायग्नोसिस कंफर्म होगा, पहले कंफर्म कर डाले। एक्सरे उठाते ही इसमें एपिग्लॉटिस सूजनों को हवा जर्रा भी जाने जगह को मालूम हो जाएगा। कब तो भी ईएनटी सर्जन एनेस्थेटिस्ट आने का पहले उत्तर ज्यादा नहीं करो हमें एक्सरे उठा सकते, बट यूजुअली मैं जो बोलता हूँ ऐसा होने चांसेस ज्यादा। अब एयरवे सिक्योर होगा, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल को होगा का तो वो टाइम में जल्दी सिस्टर आईवी कैनुला डालेंगे, टेस्ट ब्लड टेस्ट को भेजिए, ब्लड कल्चर को भी भेजेंगे, वो साथ थ्रोट साहब ऑलरेडी भेज को होगा। और आईवी कैनुला डालते ही उसमें एंटीबायोटिक शुरू करेंगे, वो थर्ड जनरेशन हाइएस्ट केफेलोसोपरिन शुरू करेंगे, साथ साथ में स्टीरॉइड्स भी पैरासिटामोल भी रहेंगे, टिपिट स्पॉन्ज भी करेंगे, बुखार भी कम होना। ये सब भी सेटल होकर होते ही वहां रुकोच एक ये अभी बच्चा हमें आपको आईसीयू को शिफ्ट करना, ये एंडोट्रेकियल ट्यूब से दो नहीं तो तीन दिन ढंगा बच्चा, तो आईवी फ्लूइड्स खाली बसा गानी, तो खाना करेक्ट होकर पेट में जाना वास्ते एंडोट्रेकियल ट्यूब को फीड करना वास्ते एक एंडोट्रेकियल ट्यूब डालना फीड करना वास्ते, नाक का रास्ता सीधा पेट को जाएगा, ये भी होते ही सीधा बच्चा आईसीयू को शिफ्ट करेंगे। तो रोज हमें ब्लड टेस्ट करके देखेंगे, ब्लड काउंट करेक्ट कम हो रहा था कहने क्या, तो वो टाइम में थ्रोट सैप का रिपोर्ट भी आगा तो उसका लायक एंटीबायोटिक एक्स्ट्रा होना तो भी ऐड करिए। अब दो तीन दिन में क्या होगा तो ब्लड काउंट नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, तो लैरिंगोस्कोपी करके ईएनटी सर्जन देखते ही एपिग्लॉटिस का लाला ही कम हो जाएगा, और एनेस्थेटिस्ट बोलूंगा अब स्पेस है, ट्यूब का राउंड को एयर लीक भी है, हमें ट्यूब निकालने का टाइम आगा, तो बहुत भी थर्ड डे तो ट्यूब निकालेंगे। ट्यूब निकाल को बच्चा नॉर्मल को सांस लेता तो नॉर्मल होकर ऑक्सीजन एक दो घंटे देखे बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन से भी नॉर्मल हो तो सीधा वार्ड को शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट करके उसका नेक्स्ट डे सुबह डिस्चार्ज करेंगे। टोटल तुम्हारा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में तीन चार दिन और घर को जाते ही और एक्स्ट्रा पांच दिन से दवा देंगे, तो घर को गए बाद तुम्हें नॉर्मल पानी नॉर्मल टाइप खाना, बहुत ज्यादा ठंडा बहुत ज्यादा गर्म नहीं, तेज भी देना नहीं, पानी ज्यादा पानी देना, टाइम टाइम को दवा देना, वो खाने के बाद दवा देना। तो सपोज तुम्हें मैं क्या बोला, ये मेडिकल इमरजेंसी, तुम्हें कितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंच जाना, सपोज तुम्हें जल्दी पहुंचने ही तो डिले होता तो सांस रुकने चांस है, उसके बाद मैं बोलना ना को क्या होगा। अब माइल्ड केस इंट्यूबेट करना नीसेज मैनेज करते हैं तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या, तो निमोनिया हो सकता, मेनिंजाइटिस ब्रेन फीवर हो सकता, और हवा ऑक्सीजन करेक्ट को मिलने से ब्रेन डैमेज हाइपोक्सिक डैमेज भी हो सकता, उसको ऐसे एक मेडिकल इमरजेंसी है, लेट करना नहीं, कितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंच जाना, ऐसा हमें एक्यूट एपिग्लॉटिस मैनेज करते हैं। सो कोई घर में कौन तो भी मेंबर्स बच्चे ही तो उनको हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देना, बड़े आदमियां ही तो उनको ये इन्फेक्शन आना नहीं से रहने वास्ते रिफैम्बिसिन का कोस दवा लिखो देंगे, उन्होंने सब्जिन भी खाना, सब मेंबर्स भी उनको भी ऐसा आना नहीं से रहने वास्ते, बड़े आदमियों में इतना सीवियर होकर आंगा नहीं, बच्चों में इतना सीवियर होकर आता आदाब।